मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली बच्चों को ही समर्पित है। आने वाले विगत कुछ दिनों में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली है और सच मायने में बच्चे बाकायदा इसकी तैयारी भी कर रहे होंगे, लेकिन ये एग्जामिनेशन या परीक्षा जो वर्ड है जैसे ही दिमाग में आता है दिमाग में स्ट्रेस बढ़ जाता है, दिमाग का प्रेशर बढ़ने लगता है, चिंताएं बढ़ने लगती है और कभी कभी तो सर में दर्द भी शुरू हो जाता है, जिसके कारण दिमाग में एक खतरे का अलार्म भी बजता है और ये अलार्म बच्चों के सेहत से जुड़ा हुआ है। बच्चों में भूख की कमी हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चे डिसेंट्री का शिकार हो जाते हैं, बच्चों में जो कंसंट्रेशन किताब या अपने नोट्स के साथ होना चाहिए वो सही ढंग से हो नहीं पाता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, जिसके कारण बच्चों में नेगेटिव इमोशन ज़्यादा हावी होने लगता है। जब बच्चों में जब ये नेगेटिव इमोशन ज़्यादा हावी होने लगता है तो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इसके जो मुख्य कारण है, जो मेन रीज़न है, वो हाई एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड मार्क्स। बच्चों में ये जो बातें हैं, हर बच्चा चाहता है कि उसे अच्छे मार्क्स मिले और सबसे बड़ी जो बात है कि ये गुड मार्क्स लाने का जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा होता है कि बच्चों की तबीयत ही इससे ख़राब हो जाती है। पेरेंट्स का रोल भी कम नहीं होता है, हर पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चे जो है समाज में मेरा नाम रोशन करें, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो अपने बच्चों का कंपेयर दूसरे तेज बच्चों के साथ करने लगते हैं और ये बच्चे भी घर में रहते हैं वो अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग का प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। जो फियर ऑफ रिजेक्शन की बात आती है, बच्चों में एक भावना बन गई है कि आज समाज में मेरी जो पहचान है पता नहीं एग्ज़ाम देने के बाद वो पहचान मेरी कायम रहेगी या नहीं रहेगी, यदि मुझे अच्छे मार्क्स ना आए तो हमारे टीचर क्या कहेंगे, समाज में जो बड़े बुजुर्ग हमसे जो उम्मीदें लगा कर रखे हुए हैं वो क्या सोचेंगे। तो ये जो फियर ऑफ रिजेक्शन की जो भावना है ये बच्चों में बढ़ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये होता क्यों है, सच मायने में देखा जाए तो इसके पीछे जो मेन रीज़न जो है बच्चों में प्रॉपर वे में प्लानिंग ना होना। यदि आप कोई चीज़ को स्टडी करते हो, यदि कोई भी सब्जेक्ट को स्टडी करते हो, जीवन में कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, आपको एक प्रॉपर प्लान के तहत काम करना होगा, जो प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती है। दूसरा जो सबसे मेन कारण है कि बच्चों में जब सही ढंग से जब प्लान नहीं कर पाते, बच्चे काम के प्रति जब समर्पित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि प्लानिंग तो उनकी है ही नहीं, जो काम करने का जो ब्लूप्रिंट उनके दिमाग में होना चाहिए वो तो दिमाग में उनका है ही नहीं, तो ये इसके कारण जो नेगेटिव जो इमोशन है उनके दिमाग में भर जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है कारण हो सकता है। जो राइट काइंड ऑफ जो रेस्ट होना चाहिए, जो प्रॉपर वे में बच्चों को जो रेस्ट लेना चाहिए वो भी रेस्ट वो सही ढंग से ले नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो बीमार पड़ जाते हैं। अब बच्चों को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, अपनी आदतों में शुमार करनी चाहिए जिनसे जो है वो अच्छे नंबर को एग्ज़ाम में ला सके, तो सबसे जो पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो प्लान फॉर स्टडी।
आपका जो स्टडी का जो प्लान है वो आप देख लीजिए कि आपको प्रॉपर वे में कैसे प्लानिंग बनानी है। आप अपनी सुविधा के अनुसार प्लान को तैयार करो। आपका एग्जामिनेशन का डेट कब से एग्जाम आपका शुरू हो रहा है और आज किस डेट को हम यहाँ पर बैठकर इस बात को सोच रहे हैं, ये दोनों समय को आप काउंट करो। दोनों के बीच का कितने, आप समय जब काउंट करोगे कितना समय बच रहा है, यानी कितने घंटे बच रहे हैं, और उन घंटों को आप हर एक सब्जेक्ट में जो है वो डिवाइड कर दो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि यदि आपको लग रहा है कि अभी आने वाले 35 डेज के बाद मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है, तो 35 × 24 आप कैलकुलेट कर लो, और हर दिन को आप अपने हिसाब से तय करो कि 12 घंटे मुझे स्टडी करनी है, एनी हाउ मुझे 12 घंटे स्टडी करनी है। 7 से 8 घंटे का आपका स्लीपिंग आवर्स होना चाहिए, यानी 20 आवर्स तो आपके निकल गए, और 4 आवर्स में आपको फ्रेश होना है, रिक्रिएशन के लिए भी समय चाहिए। तो ये सब आप जो है उसमें डिवाइड कर लो। और लेकिन जो प्रॉपर वे में मैं सच बारे में बोलूँ तो आपका जो टाइमिंग होना चाहिए वो 12 घंटे का तो एकदम स्टडी टाइम होना ही चाहिए। अब स्टडी टाइम में मेरे हिसाब से यदि मैं बोलूँ कि 10 घंटे कम से कम तरीके से पढ़ो, याद करो, समझो, और 2 घंटे का जो काम है उस 2 घंटे को आप उसमें राइटिंग स्किल को डेवलप करो। जो चीज़ आपने याद किया है उस याद की हुई चीज़ को लिखो, उसको रिवीजन करो। ये 2 घंटे को आप जो है रिवीजन आवर में आप लगा दो, रिवीजन वर्क में लगा दो, तो ये प्रॉपर वे में आपका ये काम हो जाएगा। सेकेंड है शेड्यूल योर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट को प्रॉपर समय देना है। किस समय में आपका, जैसे आपका जो मॉर्निंग का जो समय होता है वो काफी प्राइम टाइम होता है। आपको मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, सुबह कितने बजे समय देना है, दोपहर में कितने बजे समय देना है, इवनिंग आवर्स में कितने बजे समय देना है, और नाइट आवर्स में आपको कितने कितना समय देना है, आपका इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए। और किस सब्जेक्ट के लिए कितना समय देना है इसकी भी ब्लूप्रिंट आप अपने दिमाग में सेट कर लो। मैं तो बोलता हूँ एक रूटीन बना लो और उस रूटीन का ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में एनी टाइम रहेगा, और उस रूटीन के हिसाब से आप जो है स्टडी करना शुरू करो। आप जब कोई भी काम करते हो तो एक डिसिप्लिन वे में करो। जैसे मान लो कि अभी आपके पास जो है, डिसिप्लिन वे का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि मेरे स्टडी आवर्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मेरे घर में कुछ रिलेटिव्स के इम्पॉर्टेंट कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो उस इम्पॉर्टेंट कॉल्स को आप अटेंड मत करो। सोशल मीडिया से दूरी बना लो, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये जितनी चीज़ों को आप समझे, फोन, मोबाइल, टैब, कंप्यूटर, इन सब सारी चीज़ों से जो है आप दूरी बना लो। आप अपने प्लान को सही ढंग से इम्प्लीमेंट करो, मतलब सही ढंग से उसको ऑर्गेनाइज करना, और अपने प्रोग्रेस को रिव्यू करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आप इस तरह से जो है आप सही ढंग से जब आप काम करोगे तो जो रेट ऑफ सक्सेस आपका है वो 100% आप अचीव कर पाओगे। जो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए जो उपाय है, आपको एक प्रॉपर वे में मैं बोलूँ तो एक जगह पर ही आपको बैठकर स्टडी करनी चाहिए। प्रत्येक दिन एक ही जगह को तय करो कि मुझे किस रूम में या किस कॉर्नर में मुझे पढ़ना है, वो आप तय करो, और एक ही समय पे बैठने का प्रयास करो जिससे आपका रूटीन वर्क मेंटेन हो सके। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि आप बिल्कुल सोशल मीडिया से दूरी बना लो। इम्पॉर्टेंट कॉल्स वगैरह जब भी आए उसको आप अटेंड मत करो। इम्पॉर्टेंट कॉल्स का मतलब यदि लगता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ही अटेंड करो, अदरवाइज फोन को नेग्लेक्ट करने का भी या अवॉइड करने के भी भावना को रखो। तो ये सब चीज़ों को जो है आप जो है काम पे लाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो एक्सरसाइज है,
देखिए होता क्या है कि जब आप बैठे बैठे कभी कभी आपको आलस भी लगने लगता है। तो जैसे आप 1 घंटे लगातार मत बैठो, आप जब बैठते हो तो कम से कम 50 मिनट्स तक ही स्टडी करो और फिर 10 मिनट्स का आप ब्रेक लो, फिर 50 मिनट्स स्टडी करो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो, बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच करते रहो। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे बीच बीच में ऑक्सीजन, बैठे बैठे जब लगातार बैठते हो तो बीच बीच में डीप ब्रीदिंग भी करना चाहिए, जिससे आपके शरीर को ऑक्सीजन भरपूर मिल सके और आप ज़्यादा एनर्जेटिक हो पाओ। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, बीच बीच में अपने पाल्म को जैसे इसको रब करके इसको अपने आई के पास लेके जाना। जो आंख की जो थकावट होती है, जो लगातार जब आप पढ़ते हो आंख में जो थकावट होता है, वो थकावट इससे दूर हो जाता है और आप बिल्कुल अपने आप को चार्ज कर लेते हो। फिर बीच बीच में जो है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, तो बीच बीच में आप म्यूजिक वगैरह भी सुन सकते हो, जिससे दिमाग जो है आपका नए तरीके से चार्ज होकर, नई ऊर्जा के साथ वो चार्ज होकर फिर से जो है वो काम पे लग जाए। तो ये सब सारी बातों को जो है आप ध्यान में रखोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी आप पढ़ते हो, जैसे मान लो कि आपने एक चैप्टर को आपने जो नोट्स बनाया है वो 15 पन्नों का वो आपने नोट्स बनाया है, यानी जब आप 15 पन्नों का जब आपने नोट्स बनाया तो उसका एक जो फर्स्ट पेज होता है उस पेज में, फर्स्ट पेज में उसका माइंड मैप बना के रखो। मतलब आपने 15 पन्नों का जो निचोड़ है, जो एक्चुअल में जो समरी है, उसको आप एक पन्ने में ही जो है लेकर आ जाओ, ताकि आप उस पन्नों में क्या पढ़ने वाले हो या आपने क्या पढ़ा है वो माइंड मैप जो आप बना के रखे हो उससे आपको पता चल जाए। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो समय की जो है, जो आपका अवेलेबल जो टाइम है, जो वो प्रीसियस टाइम, उसका जो है आप बचत कर पाओगे, कम समय में ज्यादा रिवाइज कर पाओगे। और मेरा तो ये मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट को शुरू में पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट को थोड़ा सा टालो, शुरू में जो है आप इजी सब्जेक्ट से शुरुआत करो, टॉपिक इजी लो, ताकि आपके दिमाग में आप अपने दिमाग को समझा पाओ कि नहीं मैं याद कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। जैसे जैसे ये दिमाग में जब ये चीज बातें जब शामिल होगी तो फिर आपका जो है ये निगेटिव इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर जो प्रभाव डाल रहा है, जो निगेटिव इमोशन, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और जब ये धीरे धीरे कम हो जाएगा तो पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी, तो आप इस तरह से जो है इस काम को कर पाओगे। फिर जो प्रॉपर रेस्ट लेना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, दिमाग को रेस्ट की जरूरत पड़ती है। और मैं तो ये बोलूँ कि आपको जो 8 घंटे का जो है वो डीप स्लीप करना चाहिए। मतलब आप समझिए कि जब आपका जो सोने का जो समय है उसको फिक्स कीजिए, और कितने बजे उठना है ये भी आपका समय फिक्स होना चाहिए, और 8 घंटे का मिनिमम या मैक्सिमम आप जो समझ लो इसको, आप एकदम जो है 8 घंटे का जो है आप शेड्यूल रखो सोने का। जब दिमाग को रेस्ट दोगे तो ही जब दिमाग में अच्छी बातें आएगी और दिमाग को रेस्ट मिलेगा तो आप अगले दिन चार्ज होकर जो है पूरी एनर्जी के साथ, दुगुनी एनर्जी के साथ आप जो है अपने काम में लग जाओगे और आप जल्दी किसी चीज को कवर कर पाओगे। आपका जो हेल्थ है इस वक्त काफी मायने रखता है, और यदि सेहत अच्छी हो तो पढ़ने में भी मजा आता है। तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि जितने जंक फूड होते हैं, बाजार के जितने जंक फूड होते हैं, या ज्यादा तेल मसाले वाली चीजों से परहेज करना चाहिए। आप पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, खाने का क्वांटिटी कम करो, खाने में आप सलाद को शामिल करो, फ्रूट्स वगैरह को शामिल करो, 1 ग्लास दूध पर डे पियो, और पानी मैक्सिमम क्वांटिटी में पीने का प्रयास करो। इससे ज़्यादा इससे होगा क्या कि आप हमेशा दिन भर चार्ज बने रहोगे और आप आसानी से किसी चीज़ को जो है कर पाओगे। अब जब यही आप जंक फूड वगैरह खाओगे तो आप में ज़्यादा जो है, जो आलस जिसको बोलते हैं, वो आलस, ज्यादा आलसी प्रवृत्ति के बन जाओगे, सही ढंग से आपको काम करने मन नहीं लगेगा, और वो
दिमाग को जो है वो फिर से जो है आपके दिमाग के लिए ये भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप कोई चीज को याद करोगे वो याद फिर थोड़ी देर से होगा, क्योंकि आप में आलसी प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखोगे, अपने हेल्थ और फूड पे जरूर से जरूर ध्यान देना, और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड पे काम करना। अब ये मत सोचो कि आगे क्या होगा, यदि ऐसा मैं मार्क्स नहीं लाऊंगा तो क्या होगा, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं कभी इस पे एक वीडियो और बना भी दूंगा। फिलहाल तो ये समझो कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, ऊपर वाला हमेशा याद रखो आपके साथ है, बस आपको उस पे विश्वास रखना है, और उस पूरी विश्वास और निष्ठा के साथ आपको अपने कर्म पे ध्यान देना है। आप कर्म करते रहिए, फल तो ऊपर वाला आपको देगा ही। एक बात हमेशा याद रखो, जब आपसे बात करने वाला कोई ना हो तो आप अपने आप को खुद मोटिवेट करो। इम्पॉसिबल जो वर्ड है ये मूर्खों की डिक्शनरी में मिलता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है। आप इम्पॉसिबल को भी तोड़ोगे तो आई एम पॉसिबल ही होता है। आप इससे अपने आप को मोटिवेट करो कि दुनिया में कोई भी काम जो है इम्पॉसिबल नहीं है। यदि मैंने इस काम को चैलेंज के रूप में ले लिया है तो मैं इसे करके ही रहूंगा, और आप करोगे भी, आप में उतनी कैपेबिलिटी है कि आप उस काम को कर सकोगे। बरसते आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत सारी चीजों को करना। उम्मीद करता हूं कि आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा होगा तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे चैनल को, और जो आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल पाए सही समय पे मिल पाए, उसके लिए जो है वो आइकॉन जो बेल का है उसको भी आप प्रेस कर दें। आगे आने वाले कुछ दिनों में मैं और भी वीडियो इस पर बनाने वाला हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सही ढंग से जो है आप प्रॉपर वे में स्ट्रेस नहीं लोगे, एग्ज़ाम का कोई प्रेशर अपने ऊपर नहीं डालोगे, और आप अच्छे ढंग से तैयारी करोगे, और फिर ऊपर वाला आपके साथ है, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचता है। जय हिंद, जय भारत।